देश आजाद हुआ था। ब्रेकअप हो गया भाई का, मुझे नहीं पता। मेरा भी लो इंटरव्यू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 15 में। जैसा कि हम सभी को पता है, आज पूरा देश भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। खास मौका है और इस मौके पर क्यों ना भारत की जनता के बीच में चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के लोग हम अपने देश के बारे में कितना जानते हैं। बहुत कुछ थोड़े बहुत सिंपल से सवाल करेंगे और देखते हैं कितना जानते हैं लोग। तो चलिए, अरे हमारे ये नाई भैया यहाँ पे बाल काट रहे हैं, जरा इनसे पूछते हैं। भैया अपना नाम बताइएगा जरा। टाइम नहीं, अरे बताए नाम तो बताइए, नाम बताने में क्या है, बाल काटते हुए बता दीजिए। गुलाब। गुलाब नाम है, रोज। अच्छा ये बताइए, आज कुछ स्पेशल है या फिर नॉर्मल डे है? आज स्पेशल है। क्या स्पेशल है आज? 26 जनवरी है। और क्या क्या है? 26 जनवरी। हाँ। क्या हुआ था इस दिन? कुछ नहीं हुआ था इस दिन। क्या हुआ था इस दिन? देश आजाद हुआ था। अच्छा, देश आजाद हुआ था। यस। 15 अगस्त को ही 1947 को हुआ था आजाद। अच्छा, तो आज 15 अगस्त है क्या? 15 अगस्त नहीं है, लेकिन ये फुल जो हुआ था ना, संविधान लागू हुआ था, वो आज के ही दिन हुआ था, 26 जनवरी 1950। इसका क्या नाम है? मुरारी। यस। तो गुलाब जी का कहना है कि आज कुछ नहीं हुआ था और हमारे मुरारी जी ने सही जवाब दिया है। तो यहाँ पे ऑटो वाले भैया भी हैं। भैया आपका नाम क्या है? राहुल मिश्रा है। अच्छा राहुल जी, अच्छा एक बात बताइए, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 1947। 1947 को संविधान लागू हुआ था। बताइए नहीं मालूम मैम। अच्छा नहीं मालूम है। अच्छा आज क्या है ये बता दीजिए। आज रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी। रिपब्लिक डे को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता। गणतंत्र दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। थैंक यू भैया। अच्छा आप बताइए, आपका क्या नेम है? मीना। मीना जी, अच्छा आप बताइए आज क्या है? आज 26 जनवरी। 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब इस दिन क्या हुआ था? क्या बोले? क्या हुआ था इस दिन? तो बोले संविधान होता क्या है बताइए। तो आप देख पा रहे होंगे लोगों को बड़े ही क्या ही बोले इस चीज को, हंसे या रोए समझ में नहीं आ पा रहा है। मतलब लोगों को ये नहीं पता है कि देश स्वतंत्र हुआ था। कुछ लोग का कहना है कि संविधान लागू हुआ था, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि संविधान होता क्या है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को यही नहीं पता है कि संविधान क्या होता है। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं उनके समीकरण हिले हुए हैं या उन्हें सब पता है। भैया अपना नाम बताएंगे? अंकित मिश्रा। थोड़ा जोर से बोलिए। अंकित मिश्रा। खाना खाए थे आज? मैं टेंशन में, इनसे पूछ लो थोड़ा। अरे अरे क्या, चलो ठीक है, हल्के बोल दी। अंकित जी, अच्छा ये बताइए आज कुछ खास है? आज कुछ नहीं खास है। आज कुछ खास नहीं है, नॉर्मल दिन है आज। बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी खास नहीं, कुछ नहीं हुआ था आज देश में। ब्रेकअप हो गया भाई का? अरे कुछ नहीं मैम, किसी और से पूछवा ना। मर गई मेरे भाई की। ओ भाई, मतलब देश का संविधान लागू होए वो बड़ा मुद्दा नहीं है, 26 जनवरी है वो बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन भाई का ब्रेकअप हो गया ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या बात है। अच्छा भाई आप अपना नाम बताइएगा। मोहित कुमार शर्मा जी। मोहित कुमार शर्मा। अरे हमको ऐसा क्यों लग रहा है, एनर्जी बड़ी कम है आज, आज तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं एनर्जी है। थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा अंकुर जी, अच्छा बताइए आज क्या है? आज स्वतंत्रता दिवस, आज 26 जनवरी है, स्वतंत्रता दिवस। अच्छा 26 जनवरी है आज, स्वतंत्रता दिवस है। गणतंत्र दिवस कब होता है फिर? गणतंत्र दिवस, हाँ जी बताइए ना, थोड़ा मुझको समझा दीजिए, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस कब होता है और गणतंत्र दिवस कब होता है? मुझे नहीं पता। आपको पता होना चाहिए, भारत की नागरिक है आपकी? नहीं है। नहीं है, नागरिक है, भारत की नागरिक है।
भारत के ही है ना, युगांडा से थोड़ी आए होंगे। नहीं नहीं भारत के ही है। अच्छा तो बताइए जरा, अच्छा 15 अगस्त को क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। अगर देश आजाद नहीं हुआ था तो आज आप सड़क किनारे कपड़े की दुकान नहीं खोले होते, ये तो जान लिए होते कि देश कब आजाद हुआ था। चलिए हम आपको बता देते हैं, आज 26 जनवरी आज के दिन क्या हुआ था आप बता दीजिए। संविधान लागू हुआ था देश का, याद रखेंगे अगली बार? हाँ रखेंगे याद। चलिए शुक्रिया भैया। जैसा कि सभी को पता ही है आज का दिन बहुत ही खास है, चाय वाले से लेकर हर किसी के मन में आज देशभक्ति की भावना है, तो हम यहाँ पे चाय वाले भैया के पास खड़े हुए हैं और ये हमें कुछ देशभक्ति गाना सुनाने वाले हैं, तो जरा सुनते हैं क्या सुना रहे हैं। सुनाइए, पहले नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम चरण सिंह भदौरिया। अरे क्या बात है, सुना दीजिए जोरदार सा गाना। आशीषों का चल भर के प्यारे बात आई हूँ, तुम ही मेरी भावी रक्षा आशा करता हूँ, तुम मेरी आशा करो प्रभु का नाम बोलो शंकर भगवान की जय। अरे देशभक्ति सुनाना तो बाबा आप भजन सुना नहीं है, आप देशभक्ति में इतने सुना दिया, देशभक्ति सुना दो सुना, कोई पहचान थोड़ी कर रहा है तुम्हारा, सुनाओ। तो जैसा कि आपने देखा हम लोगों के बीच में गए, हमने उनसे बहुत साधारण से सवाल किए, पर ये वाकई में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को भारत के नागरिक होने के नाते अपने संविधान के बारे में नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि आज दिन है तो कौन सा है, और जिनको पता है आज 26 जनवरी है तो उनको यही नहीं पता कि संविधान होता क्या है। वाकई में ये सब देखकर काफ़ी दुख होता है, कहने को सुनने में देखने में हंसी भी आती है, ह्यूमर लगता है, पर अगर आप गहराई से सोचेंगे तो भारत के नागरिक होने के नाते अपने देश के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। खैर हम उम्मीद करते हैं जितने भी लोगों से हमने बातचीत की उनको थोड़ा सा कुछ तो खटका होगा, उनकी देशभक्ति की भावना जगेगी और वो आज घर पे जाके अपने देश के बारे में जानने की कोशिश जरूर करेंगे। मेघा गंगवार कैमरामैन हर्ष के साथ वी नेशन नोएडा।